गिरधर जी ने आके गोसाई जी को कही कि काका जी एक गधा मर गए, वाको घसीटते पर ले जा रहे हैं, वाको शो रही है। जहाँ ये बात सुनी आंखों में से प्रेमाश्रु द्रवित होवे लग गए। गुसाई जी कहे धन्य है वो गधा जाकू या प्रकार से ब्रजरज में लौटवे को मिलो। अरे गिरधर हमारे देह छूटे फिर हमको यही प्रकार से घसीटियो ब्रजरज में। धन्य है इसे ब्रज भूमि, धन्य है वाके भाग। और इतिहास गवाह है श्री गुसाई जी तो गोविंद स्वामी के संग सदेह कंदरा में पधार गए, लेकिन जो उपवस्त्र गुसाई जी जो गिरधर जी को देके गए थे वह उपवस्त्र को गिरधर जी ने आपसी की आज्ञा मान के ब्रज रज में घसीटो। कि प्रभु के जन्म से ये ब्रज भूमि की शोभा बढ़ गई। एक बार तो सभी ब्रजवासी प्रयाग क्षेत्र जावे लगे, तैयारी करी। ठाकुर जी कहे लाला ने कहे बाबा मैं भी चलूंगा। अब लाला भी तैयार भयो, गाड़ा वाड़ा सब जोड़े और चलवे लगे। तो एक रास्ता एक रास्ता में आश्चर्य देखो, एक कालो गधा देखो, और कालो गधा ब्रजरज में लौट रो था। लौटते लौटते काले में से सफेद हो गए। ब्रजवासी इनको आश्चर्य भयो, कह रहे ये का भयो। लाला कहे बाबा मैं बताऊं, मैं जानू वो गधा कौन है। कि कौन? कि बाबा वो गधा और कोई नहीं पर प्रयागराज है। का बात कर रहे हो? तो कहे हाँ कि सब जने अपने पाप अपराध दोषन को दूर करवे के लिए प्रयाग में स्नान करवे जावे, और ये प्रयाग रोज खुद शुद्ध होवे के लिए ब्रज रज में लौट रो। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। ऐसी है ये ब्रज रज। ब्रज रज में लौटो नहीं करो ना इसी अपना पान है। ये परम फल है ब्रज भूमि, और धन्य है प्रभु ऐसी ब्रज भूमि। और यही ब्रज की शोभा को देख के रमा भी अविरत यही पे रह रही है। तो प्रभु ये शोभायमान ब्रज भूमि में हम आपके दर्शन के बिना बड़ी व्याकुल हैं। प्रभु दर्शन दे प्रकट हो जाए। शरदुदाशये साधुजात सरसी जो धरा श्रीम शाद्रशा हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना मूल्य की दासी हैं। मूल्य से सेवा कलंकित होती है। सेवा कलंकित थवाना त्रण कारण, सेवा कलंकित थवाना त्रण कारण एक सत्ता संपत्ति अने सन्मान। आ त्रण કારણના લીધે સેવા આપણી કરેલી સેવા કલંકિત થઈ જાય છે। સેવા કર્યા પછી કઈક સંપત્તિ મેળવવાની ઈચ્છા, સત્તા મેળવવાની ઈચ્છા, સન્માન મેળવવાની ઈચ્છા, તો તમારી કરેલી સેવા કલંકિત થઈ ગઈ। પ્રભુ અમે તો આપની વિના મૂલ્યની દાસીઓ છીએ। શરદ ઋતુમાં સરોવરમાં જલ ખૂબ જ સ્વચ્છ હોય, और वो सुंदर सरोवर में जब कमल खिले वाह कमल की का सुंदरता की बात करें। पर प्रभु आपके नेत्र कैसे हैं, वो कमल की लालिमा को हरण करवे वाले, कमल से भी सुंदर ऐसे कमल नेत्र आपके प्रभु नेत्र हैं, कमल की लालिमा को हरण करवे वाले। कृपा कटाक्ष निहारो, उन नेत्र से हमारी ओर देखो।
क्यों हमें मार रहे हो? क्या शस्त्र से मारनो ही वध है? ये नेत्र से आपकी काल दृष्टि हम पे मत करो। कृपा कटाक्ष निहारो, कमल सी अखियां लाल तिहारी, तिनसों तक तक तीर चलावत, वैदत है छतिया हमारी। कमल सी अखियां, प्रभु के नेत्र कैसे हैं? कमल समान। श्री गोसाई जी श्रृंगार रस मंडन में आज्ञा करें कि प्रभु की दृष्टि, नेत्र तीन चीजों को हरण करें, विवेक, धैर्य और लाज। श्री आचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं कि ठाकुर जी ना नेत्र मा त्रण प्रकार ना अमृत छे, कोटी चांचल्यामृत, आरुण्यामृत अने मंद हास्यामृत। इसलिए तो भक्त कहते हैं कि मोहन नहना आपके नौका के आकार, जो इनमें बस गए सो हो गए भवते पार। मोहन नैना आपके नौका के आकार। प्रभु के नेत्र कैसे हैं कि नौका के आकार कटाक्षयुक्त नेत्र हैं। तो प्रभु उन कटाक्षयुक्त नेत्रों से, कमल नेत्रों से आप हमारी ऊपर देखो, काल दृष्टि न करो। जो ठाकुर जी ने बे प्रकार की दृष्टि, एक तो काल दृष्टि और बीजी कृपा दृष्टि। कृपा दृष्टि ठाकुर जी भक्तों ना मनोरथ पूर्ण करे छे। एक प्रसंग आवे छे के एक वक्त आ वसंत फाग नो समय हतो अने स्वामी जी ने ठाकुर जी साथे खेलवानी इच्छा थी, पण हवे ई भवन मा मोटा मोटा गुरुजनो बैठा। अवे गुरुजनो बैठेला तो स्वामी जी विचार कर्यो के ठाकुर श्याम सुंदर साथे होळी कई रीते रमू, लाज आवी। तो ठाकुर जी तो बधा मनोरथ है, मन की बात जानी जाए स्वामी जी ने। ठाकुर स्वामी जी के मन की बात जाने और ठाकुर जी ने कहा कि रात्रि के श्रम के कारण ठाकुर जी के जो नेत्र आरुण बन थे, उन आरुण नेत्र से, कमल युक्त नेत्र से, लाल लाल नेत्र से कटाक्ष युक्त स्वामी जी की ओर दृष्टि करी। और जहां ठाकुर जी ने ऐसी दृष्टि करी, वही लीला के दर्शन चंद्रावली जी कर रही है, वो भी सब बात जान रही है। चंद्रावली ने जाने के स्वामी जी को जो खेल की इच्छा भई है, अब वो मनोरथ पूर्ण करवे के लिए ठाकुर जी ने क्या कियो, अरुण अपने नेत्रों से कटाक्षयुक्त दृष्टि स्वामी जी की ओर करी। मानो स्वामी जी के मनोरथ पूर्ण करवे के लिए ठाकुर जी ने गुलाल की पिचकारी स्वामी जी पे छोड़ी। ऐसे दर्शन किए स्वामी जी ने, मुंह घुमा। और अब जहां ठाकुर जी ने पिचकारी छोड़ी, तो अब स्वामी जी भी तैयार हुई। चंद्रावली जी का दर्शन कर रही है कि स्वामी जी आरोग रही थी पान, और वो पान की पिक उनके अधरों से बाहर आई, तो जो गुलाल की पिचकारी ठाकुर जी ने छोड़ी, वाके जवाब में अब स्वामी जी भी गुलाल की पिचकारी ठाकुर जी पे छोड़ रहे हैं। ऐसे दर्शन चंद्रावली जी कर रहे हैं। और अब चंद्रावली जी देख रही है कि ठाकुर जी पुनः तैयार हुए स्वामी जी के साथ खेलवे के लिए, और वही अरुण नेत्रन से स्वामी जी की ओर ठाकुर जी ने दृष्टि करी। जहां दृष्टि करी प्रभु ने, स्वामी जी ने मुंह घुमायो, और आपके जो केश की जो लट थी, वह लट आपके कपोल पे आई। चंद्रावली जी को मानो ऐसो लगयो कि गुलाल की पिचकारी में ठाकुर जी ने चोवा की पिचकारी स्वामी जी पे छोड़ी। और फिर से स्वामी जी तैयार भय, गुरुजन में बैठे दो प्रीतम नयनन सो खेले होली। ठाकुर जी नयनन सो होली खेल रहे। तो एक तो ठाकुर जी की कृपा दृष्टि, जहां से भक्तन के मनोरथ आप पूर्ण कर रहे हैं, और एक काल दृष्टि, जिसे काल दृष्टि से ठाकुर जी ने जो कुरुक्षेत्र में कौरवन के सबन के प्राण को कर्षण कर लिया। तो प्रभु हमारे पे काल दृष्टि मत करो, हमें मारो मत। और मारनो ही थो तो या के करते तो पहले हमको मर जावे देते। ये नेत्र के वध से क्यों हमें मार रहे हो? क्या शस्त्र से मारनो ही वध है? विष जला प्रिया व्याल वर्ष मारुता वेद्युता विषमयात्म जा विश्व तो रक्षिता।
विषजलाप्य याद व्याल राक्षसाद आंधी बिजली इंद्र ने वृष्टि थी दावादल भ्रष्मासुर व्योमासुर आदि अनेक अवसरों पर आपे हमारी रक्षा करी तो सु आ दिवस देखड़ा हो माटे एना करता तो हमने त्यारे मरी जवा दे आ आपना विप्रयोग ना विरह हमारा थी सहन नहीं था तो प्रभु दर्शन आप हमें जानिए छे न खल गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतर आत्मद्रुप आप केवल यशोदा नंदन नथी अखिल देहधारियो ना आत्म स्वरूप छो અને વિખન સારથી તો વિશ્વગુપ્તે આ વિશ્વનું રક્ષણ કરવા માટે આ પૃથ્વી પર અવતાર ધારણ કર્યું છે. પૃથ્વીજી બ્રહ્માજીની પ્રાર્થના સ્વીકારીને આ પૃથ્વી પર અવતરિત થયા છો વિશ્વનું કલ્યાણ કરવા માટે. તો હે નાથ, આ વિશ્વમાં અમારી ક્યાં ગણતરી છે કે નહીં? પ્રભુ દર્શન આપો, પ્રગટ થઈ જાઓ. વ્રજજનાર્તિહન વીર યોશિતામ નિજ જનસ્મય ધ્વંસનસ્મિત. હે બ્રજવાસીઓના દુઃખને દૂર કરવા વાળા, હે વીર શિરોમણી, ક્યાંક અમારી અંદર અભિમાન આવી ગયો આપે જાણ્યું તો આપની મંદ મંદ મુસ્કાનની ઉજ્જવલ રેખાઓ નામના દર્શન કરાવી દે તો અમારા અંદર રહેલું અભિમાન ઓગળી જાત. આપના મંદ હાસ્યામતની ઉજ્જવલ રેખાઓથી અમારું અભિમાન નષ્ટ થઈ જાત. પણ પ્રભુ, આ કઈ લીલા છે કે અમારાથી છુપાઈ રહ્યા છે? પ્રભુ કો હાસ્ય કેસો હૈ, હસીતમ મધુરમ, સબ અભિમાનન કો દૂર કરવે વાલો એસો પ્રભુ કો હાસ્ય હૈ. એક દિન તો સ્વામીજીને ઠાકોરજી કો રાસ મે પધારવે કે વિનંતી કરી. ઠાકોરજી રાસ કે ચોંતરા પે પધારે કે ચલો પ્રિયાજુ રાસ ખેલ લો હે. તો કે નહીં, આજ રાસ નહીં ખેલનો. તો કે તો કા કાઈ કે લી બુલાયો યહાં પે? તો કે નાથ, આજ કછુ દૂસરો મનોરથ હૈ. અચ્છા, તો કે કા બતાવો? તો કે પ્રભુ, આજ અપન આંખ મિચોલી ખેલે. રાસ કે ચોતરા પે આંખ મિચોલી? હા, ઠીક હે, ચલો જૈસે આપ આજ્ઞા કરો પ્રિયા. પર પ્રભુ, કછુ શરતે હે બાકી. કે કા શરત? કે દેખો, પહેલી શરત તો યે કે યે જો રાસ કો ચોતરા હે, આંખ મિચોલી કે સમય ચોતરા સે બહાર કોઈ નહીં જાનો. મંજૂર? તો કે હા. પ્રભુ, દૂસરી શરત એ કે એકને જો યુક્તિ કરી વો યુક્તિ દૂસરો નહીં કરે વો. મંજૂર હે? તો કે હા, ઠીક હે. ઓર તીસરી એક શરત ઓર હે કે કા કે એક હી બાર મે ઢૂંઢ લેવો કો, એક હી બાર મે પહેચાન જાવે કે ઠીક હે પ્રિયાજી, ચલો કે પહેલે મેં છુપું. તો કે નહીં પ્રિયાજી, કે પહેલે મેં છુપુંગી. કે પ્રભુ, આપ અપને નેત્ર બંધ કરો ઓર અબ ઠાકોરજીને અપને હાથ કે આંખ કે આગે યો ઉંગલી લગાઈ, નેત્ર બંધ કિયે. દેખ્યો પ્રભુ? દેખ્યો મત. નહીં નહીં, મેં નહીં દેખુંગો. અબ નેત્ર બંધ કિયે ઓર પ્રિયાજીને ક્યા કિયો, અપની જીતની ભી સખી થી ઉન સખીન કો આજ્ઞા દી કે દેખો યે ચોતરા કે આસપાસ જીતની યે મોગરા કી કલી ખીલી ભઈ હૈ, ઇન કલિયન કો ઇકઠ્ઠી કરો ઓર કલિયન કી ઢગલી બનાઓ. ઇતની સારી કલિયા ઓર ઇતની સારી ઢગલી બનાઈ ઓર સ્વામીજી વો એક ઢગલી કે અંદર જાકે છિપ ગયે. પ્રભુ કે મેં આવું કે હા ઢૂંઢો. અબ પ્રભુને નેત્ર ખોલે તો સામને તો બહુ સારી ઢગલી. અબ એક એક ઢગલી કે પાસ જાય, દેખતે જાય કે કામે છુપે કામે છુપે. અબ એક ઢગલી કે પાસ આવે ઓર ઠાકોરજી આકે કહે પ્રિયાજુ બહાર પધારો, હે પ્રિય બહાર આવો. ઓર વહી ઢગલી મેં સે સ્વામીજી બહાર પધારી. સ્વામીજી કહે હે નાથ, આપને કેસે પહેચાન્યો કે મેં યાકે અંદર થી? કે બડો સરળ તો મેરે લીએ. કે અચ્છા, કેસે? કે દેખો, યહાં તો બહુ સારી કલિયો કી ઢગલી થી, પર આપ જા ઢગલી કે અંદર થે વો કલી કલી નહીં રહી, વો તો ખીલ ગઈ. તો મેરે લીએ પહેચાન તો બડો સરળ થો. અચ્છા, કે અબ મેરી બારી. કે ઠીક હે, કે પ્રિયાજો આપ નેત્ર બંધ કરો. ઓર અબ સ્વામીજીને નેત્ર બંધ કિયે. અબ ઠાકુરજીને કહા કે અપને જીતને ભી ગ્વાલ થે ઉન સખાયન કો અપનો જેસો બના લિયો, ઉનકે જેસો રૂપ, ઉનકે જેસો વસ્ત્ર શિંગાર સબ એક જેસે બન કે ઓર એક સખા કે ભીતર જાકે છિપ ગયે. હા પ્રિયાજુ, આપકો કો ઢૂંઢો. સ્વામીજી ને નેત્ર ખોલે તો હજારો કૃષ્ણ, એક રૂપ એક રંગ, એક એક સ્વરૂપ કો દેખતે જાય આગે બઢે, દેખતે જાય આગે બઢે, ફિર એક સ્વરૂપ કે પાસ આકે ખડે રહે. ઓર ફિર પ્રિયાજુ કહે હે શ્યામ સુંદર બહાર પધારો,
जा सखा के अंदर आप छिपे विवाह में से लाला बाहर पधारे। अरे प्रिय, तुमने कैसे जानी कि मैं ये स्वरूप के अंदर छिपो भयो तो कि प्रभु मेरे लिए भी बड़ो सरल तो अच्छा कि कैसे कि प्रभु आपके जैसो श्रृंगार कोई धारण कर सके, आपके जैसो रूप कोई धारण कर सके, पर हे नाथ हे श्याम सुंदर आपके जैसो हास्य या संसार में और कोई के पास नहीं है। ऐसो सुंदर आपको मधुर हास्य है, वो हास्य की उज्जवल रेखाओं से मैंने आपको पहचान लियो कि आप या क्या। यहाँ गोपी जन यही बात कर रही है कि प्रभु वो मंद हास्य की उज्जवल रेखा हमको दिखा देते तो हमारो मान अभिमान नष्ट हो जातो, पर या प्रकार से छिप जानो प्रभु क्रूर ना बनो। हे दया करवे वाले, हे दयानिधि, हे वीर शिरोमणि, प्रकट हो जाओ, दर्शन दो। आपके युग सुकोमल चन्नार बिंद हम अपने हृदय में पधरानो चाहे। अरे तुम्हारे तुम अगर प्रभु आप ये कहो कि तुम तो स्त्री हो तुम्हारे हृदय में हम अपने चरण कैसे रखें, तो प्रभु वो लक्ष्मी जी भी तो आपके ही चरण को पकड़ के बैठी है, तो वाकु तो आपने आज्ञा दी हमको कैसे मना कर सको। हमारे हृदय में चरण पधरावे में कैसो संकोच, जब आपने कालिया के फणा पे जब चरण पधराए तब आपको कोई संकोच नहीं भयो, भय नहीं भयो, तो फिर हमारे हृदय में पधरावे में क्यों संकोच। अगर आप यूं कहो कि वो तो कालिया नाग को मर्दन करनो थो, तो प्रभु ऐसे हमारे हृदय में भी दो प्रकार के कालिया नाग की फणा, एक तो है दर्प और एक कंदर्प। मान और अभिमान ये भक्ति में बाधक हैं, तो हमारे मान और अभिमान को हृदय में आप पधरा के उनको निकाल दो। प्रणत देहि नाम पाप कर्षनम, आपके चरणारविंद समस्त पापन को नष्ट करवे वाले हैं। उन सुकोमल चरणारविंद को हम अपने हृदय पे पधरानो चाह रहे हैं। प्रभु दर्शन दे, हम बड़ी व्याकुल हो रही है, और तो ये जो शरीर में प्राण टिके भय वाको एकमात्र कारण नाथ आपकी कथा, बस आपकी लीलाओं को हम गान कर रही हैं, जहाँ से प्राण टिके भय। प्रभु आपसे तो अच्छी आपकी कथा है। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, आपको तो कितनी बार बुलावे हम आप आओ नहीं हो, आपकी कथा तो आपसे ज्यादा अच्छी। कहिए त्रण वागे चालू तो त्रण वागे चालू, कहिए आजे सात वागा में रुक्मणी जन्म नहीं था आठ वाग से तो आठ वागी जाए, तो तुम्हारा करता तो प्रभु तुम्हारी कथा सारी। तमे तो निरपेक्ष छो, तुम्हारी कथा सापेक्ष छे, तमने कोई नी जरूर नथी, पर तुम्हारी कथा माटे तो जरूर पड़े। वक्ता जोईए, श्रोता जोईए कि भाई आजे कथा नो विस्तार करो तो विस्तार करो, नहीं आजे कथा पूरी करी नाखो तो पूरी, तो तुम्हारा करता तुम्हारी कथा सारी। अंतर रमण के कारण गोपियां कह रही हैं, अगर प्रभु आप ये कहो कि जब मेरी कथा अच्छी तो फिर मुझे क्यों पुकार रहे हो, मेरी कथा का ही श्रवण करती रहो, मेरी क्या जरूरत है। तो प्रभु उसका कारण है, जो जीव आपके कथा का आश्रय करता है, जे जीव सत्संग करे छे, एना कलियुग ना बता दोषों की निवृत्ति थई जाए छे, एनु हृदय निर्मल बने छे, अने ए हृदय मां निर्मल प्रेम नो जन्म थाय छे, अने प्रभु जेने एक वक्त प्रेम थई जाय ने आपनी साथे, पछी आपनी कथा पर्याप्त नथी, एने आपना दर्शन करवानी लालसा जागृत थई जाय छे। तो कथाना माध्यम थी कलियुगना दोष तो दूर थई गया, हृदय निर्मल थयो, प्रेम थयो, पण हवे आ प्रेम ने पूर्ण करवा माटे आपना मुखाकृतिना दर्शन कराओ, प्रभु प्रगट थई जाओ, दर्शन आपो। अमे अमारा पति पुत्र परिवार बधानो त्याग करीने अहीं आव्या छीए, आसक्ति होय अने आप मारो त्याग करो तो समझमां आवे, पर बधुं छोड़ीने आव्या छीए। आ अमारथी छुपावा माटे आप जे वनवन भटकी रह्या छो, अमने तो विचार आवे छे के आपना सुकोमल चरणारविंदमां श्रम न पड़तो होय, ज्यारे आप गौचारण माटे पधारो छो वनमां, तो ए वात विचारीने मारुं मन व्याकुल थई जाय छे के आपना सुकोमल चरणारविंदमां कंकर पत्थर लागता हशे तो केटलो श्रम पड़तो हशे, ए विचारीने अमारुं मन व्यथित थई जाय छे। अने ज्यारे गौचारण करीने आप पाछा ब्रजमां पधारो छो, अने ए समय आपना सुंदर दर्शन करवामां जे अमारी पलको जे आवरण रूप बने छे, तो त्यारे अमने विचार आवे छे के आ ब्रह्मा जी ने बुद्धि नथी तो जड़ छे, के आ प्रभुना दर्शन मां आ पलक केम वच्चे नाखे छे, जेम देवताओं ने पलक नथी तो अमने पलक केम बनावी, के एक क्षण मात्र नो वियोग पण अमारथी सहन नथी थतो। अने हे नाथ, आ समय आ रात्रि ना समय मां आप अमने छोड़ी ने गया छो,
પ્રભુ કૃપા કરો, દર્શન આપો, સમય નીકળતો જાય છે. નાના પ્રકાર કે ભાવ વાલી ગોપી પ્રભુ કો પુકારને લગી, વૃક્ષો ને લતા પતાઓ ને પૂછ્યું, અને પછી બધી ગોપીઓ યમુનાજીનો આશ્રય લીધો, અને યમુનાજીના આશ્રય ઉપર આવીને રુરુદહસ્વ સ્વરમ રાજન કૃષ્ણ દર્શન લાલસા, જોશ જોશ થી રડવા લાગે, નિસાધન બની ગઈ. દેખીએ, કોઈ ભાવ સે રોતા હૈ, કોઈ અભાવ સે રોતા હૈ, ઓર કોઈ સ્વભાવ સે રોતા હૈ. સંસારી વ્યક્તિ સંસારી પદાર્થો કે ભાવ મે રોતે હૈ, ભક્તજન ભગવાન કે ભાવ મે રોતે હૈ, ઓર ભગવાન સ્વભાવ સે રોતે હૈ. જબ ભક્તો કે ભાવો કે પ્રેમાશ્રુ કો દેખ કર આપ સ્વભાવવશ રોને લગ જાતે હૈ. જ્યાં નિસાધન ગોપીઓ થઈ, યમુનાજીનો આશ્રય લીધો, પ્રભુને પુકારવા લાગી, શ્રી આચાર્યજીએ ત્યાં વિપ્રયોગના 10 અવસ્થાઓ બતાવી. ગોપીજનોની લાલસો દ્વેગ જાગર્યા, તાનવમ જડી માત્ર તું, વેયજ્ઞમ વ્યાચરુન્માંદો મોહો મૃત્યુર્દશાદશ. એવી 10 અવસ્થા, લાલસા, ઉદ્વેગ, જાગર્યા, તાનવ, જડીમા, વેયજ્ઞ, વ્યાધિ, ઉન્માંદ, મોહ, અને 10મી અવસ્થા છે મૃત્યુ. જ્યાં એવી અવસ્થા ગોપીઓની થઈ, એવો દૈન્ય ભાવ જ્યારે ગોપીજનોનો પ્રભુએ જોયો, શ્રી મહાપ્રભુજી કારિકામાં લખે છે કે નહીં સાધન સંપત્ત્યા હરિ તુષ્યતિ કશ્યચિત ભક્તાનામ દૈન્યમેવકમ હરિ તોષણ સાધનમ. કોઈ પણ સાધનોથી ભગવાનને સંતોષ નથી થતો. આ ગોપીજનો ફરી ફરીને સાધન કરી રહી હતી, પણ જ્યાં નિસાધન ગોપીજનો, દૈન્ય ભાવ એમની અંદર આવ્યો. રુરુદહ સુસ્વરમ રાજન, પ્રભુને યાદ કરીને રડવા લાગી. અને એ જ સમયે ભગવાન એ ગોપીઓના મંડળમાં